तो तकरीबन हज़ार बारह सौ बच्चा बैठा हुआ है पर माइल अनएजुकेटेड ये तो बच्चा आपको गाड़ी से उतार के मार डालेगा अगर आपने इसको रोजगार नहीं दिया इस बच्चे को आपको पढ़ाना है और इस बच्चे को बाहर एक्सपोर्ट कर दीजिए आगे बढ़ना है दुनिया के अंदर फील्ड के अंदर तो बेसिक्स आपकी चीज ठीक होनी चाहिए आप में हो आप खिलाफी ना करते आप हो आप टाइम के पाबंद हो इंटरमीडिएट के एग्जाम के अंदर आईसीएस के अंदर माउस और फ्लॉपी डिस्क के सवाल पूछ अब बताइए इसके बाद किधर जाके मरेंगे इन यूथ के ऊपर हमने काम करना है और कोई भी इनिशिएटिव कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट कोई भी ऐसा काम जो इस यूथ को डायरेक्ट नहीं कर रहा उसका कोई फायदा नहीं है ब्रेन ड्रेन के लिए ब्रेन का होना जरूरी है तो ड्रेन होगा ना जो ब्रेन ही नहीं है बना ही नहीं है डेवलप तो ड्रेन क्या होगा आपके पास सौ बिलियन डॉलर अगर आपके पास अपने आने लग जाए रेमिटेंस के तो आपको एक एक बिलियन डॉलर के लिए पीक मारने की क्या जरूरत है थ्री फाइव ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू इमिग्रेट टू लिथुनिया चले जाएं ईस्टर्न यूरोप में चले जाएँ रशिया चले जाएँ पैरागोए चले जाएँ मडगास्कर चले जाएँ पूरा दुनिया पूरी दुनिया को okay. हुई है छः हज़ार पी एच डीज हैं पाकिस्तान के अंदर पच्चीस करोड़ आवाम के अंदर उन छः हज़ार में से चार हज़ार पी एच डी मुल्क से बाहर काम करें पूरे मुल्क में दो हज़ार पी एच डीज भी नहीं है और जो है किसी दिन आप इंटरव्यू कर लीजिए तो आपको सूरतल सामने आ जाएगी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की असलम एवरी वन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड हाउ डज़ इट वर्क पॉडकास्ट बाई प्रो पाकिस्तानी आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द गेस्ट वी एव टूडे ये पी एच डी हैं फ्लो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एक डेटा साइंटिस्ट हैं यूट्यूबर हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जी शान स्मानी साहब थैंक यू सो मच फॉर बींग पॉडकास्ट शुक्रिया जनाब uh, आपकी बहुत uh, यूनिक प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल से हम बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं शुरू इससे करना चाह रहा था कि आपकी जो यूट्यूब पे जो कॉन्टेंट आप आजकल क्रिएट कर रहे हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का सॉर्ट sort ऑफ of आप एक कोरिलेशन बना रहे हैं इस चीज़ की कोरिलेशन कैसे बनती है अच्छा पाकिस्तान में प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती पीरियड और मैं बड़ा सोच समझ के जुमला बोल रहा हूँ आपको अगर आगे बढ़ना है दुनिया के अंदर फील्ड के अंदर तो बेसिक्स आपकी चीज़ ठीक होनी चाहिए आप में ऑनेस्टी हो आप वादा खिलाफी ना करते हो आप टाइम के पाबंद हो जब तक ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते एक कपड़ा ना अच्छा वाइट आप उसको कोई भी कलर कर दें लाल नीला पीला उसको कवर कवर चढ़ जाएगा वो कपड़ा ही फटा हुआ है तो आप उसको नहीं रंग सकते तो मैं कपड़े के ठीक करने पर पहले काम करता हूँ कि पहले एक अच्छा इंसान बन जाए वो जब अच्छा इंसान बन जाए तो हम उसको अच्छा डेटा साइंटिस्ट अच्छा ए डेवलपर अच्छा प्रोग्रामर अच्छा साइंटिस्ट बना सकते हैं वो इंसान ही अच्छा नहीं बना होगा तो उसको ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं कहीं ना कहीं मसला करेगा, करेगा, करेगा। इसलिए चल रहा है कि जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं सऊदी मिसाल के तौर पर इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं in, in, of, uh, uh, और फिर पाकिस्तान में एक बड़ा क्लैश है, uh, का और रिलीजन का हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमारे जितने मशहूर साइंटिस्ट आ चुके हैं देर ऑल बिन अ क्लैश ये क्या एक पाकिस्तान का इशू है या ये एक साइंस और इस्लाम का जनरली भी इशू होता है आ, एक मेरा ये सवाल था और दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को भी सऊदी और कतर और की तरह लिबरलिज्म की तरफ जाना चाहिए या इसके नुकसान है दोनों पे अलग अलग बात कर लेते हैं पहली बात तो ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरब हो गया मरोको हो गया कतर हो गया दे आर गोइंग अवे फ्राम द रिलीजन ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं शराब आम बिक रही है बाकी तमाम हो रहे हैं क्लब्स खुल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये हमारे पास दलील नहीं इस बात की कि उनको इसकी वजह ऐसा करने से उनकी तरक्की हो जाएगी दुनिया मिल जाएगी मोरुको ने सारा काम कर लिया वहाँ पर क्लब्स भी हैं बार्स भी हैं शराब भी हैं मोरु ने तरक्की नहीं की श्रीलंका में हर बंदा शराब ही है ट्वेंटी फोर सेवन शराब मिलती है उससे भी तरक्की नहीं की वो वो हो गया आप वेनिसला को देख लें पैरागोई को देख न्यू मेक्सीको को देख लीजिए यूरोगोए को देख लीजिए तो अगर हम ये तमाम चीज़ें ओपन कर दें और रिलीजन को खुदा खुदाफिज़ कह दें तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम तरक्की कर सकेंगे हमारी जो जवाल है हम जो कमतर हुए हमें उसकी वजह दीन से करीबी नहीं है कि हम दीन से नज़दीक हैं उसकी वजह इल्म से दूरी है ilm से दूरी को अगर हम compensate करना चाहें दीन से दूर होने के बाद तो compensate नहीं हो सकेगा आप कुछ भी कर लें आपको जो सीखनी चीज़ें वो तो सीखनी पड़ेंगी ना इल्म तो आपको हासिल करना पड़ेगा इल्म हासिल करने के बाद आपकी हो आप मलवी साहब हो तो आप यू इसमें काम कर सकते हैं और इलमी अगर आपके पास नहीं हो तो आप जैसे चाहे आप यहाँ पर जीन्स और चड्डी बनी आने फेंके घूमते रहें आपको कोई हायर नहीं करेगा तो सिर्फ़ जो ये कंट्रास्ट करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ढसो खिला एक झूठ है हम बोलते हैं कि हम इसलिए तरक्की नहीं कर सके कि हम लोग मॉडर्न नहीं है पहली बात तो ये दूसरी बात पाकिस्तान में भी रिलीजन बचा कहाँ है बाकी अब तो थोड़े बहुत लोग रह गए अब मस्जिदों के अंदर जाएँ कितने जवान आपको मिलते हैं आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएँ यूनिवर्सिटी चक्कर लगाएं कंसर्ट्स नाइट्स होती हैं बाकी चीज़ें होती हैं कौन सी ऐसी चीज़ दुनिया की रह गई है जो पाकिस्तान में ना हो रही हो चले वो काम हम कर रहे हैं ना दस बारह साल से तो कौन सी हमने तरक्की कर ली तो एक तो ये बात हो गई कि इसका हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए बिल्कुल अपने एक्स्ट्रीम्स नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक्सट्रीम्स हो जाते हैं कल्चर और रिलीजन के अंदर हम दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो एक बहुत बड़ा मसला इसके ऊपर बात करते हैं दूसरा अपने और दूसरा आपने सवाल पूछा कि साइंस और रिलीजन दोनों का देखिए ग्राउंड अलग अलग है साइंस बता कहती है आपको क्या क्यों कैसे कब कहाँ सारे सवाल पूछती है रिलीजन बोलता है क्या करना है आप वो कर लीजिए रिलीजन बोलता है नमाज़ पढ़ लो आपने नमाज पढ़ ली रिजन बोलता है गुरू ना करो अपने रू नहीं करना अब आप हज के अंदर हैं एम काबे के सामने हैं और इस्लाम बोलता है कि आपने यूँ अकड़ के चलना है शुरू में चार चक्रों के अंदर अब उसके सामने तो आप गुरू करने का बोल रहा है अकड़ के चलने का बोल रहा है मुजलफ़ा में आपको बोलते हैं नमाज कज़ा करके आपने कंबाइन करनी है तो उसमें हम क्या क्यों कैसे नहीं पूछते जो कहा गया है उस पर हमने अमल करना है ईमान मिल गई इसी को कहते हैं ना और क्या क्यों कैसे तमाम सवाल साइंस के होते हैं इनको आपने मर्ज नहीं करना आपस में जब आप मर्ज करेंगे और इसे आप इस पर दलील निकालने की कोशिश करेंगे तो एक जगह आप एक रुक जाएंगे देखिए साइंस चेंज हो रही है आज कोई बंदा पैदा हो और वो बोले कि जी मैंने स्टीफन हॉकिंग की तमाम थ्योरीज तो को, 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 तो को गलत साबित कर दिया है साइंटिफिक मेथड यही है तो उसको नोबल प्राइज़ मिल जाए शायद ठीक है वो को उसको कोई बात बुरा नहीं मानेगा कि जो 600 साल से हम पढ़ते आ रहे थे तो हमने सबको गलत साबित कर दिया वो पूरी दुनिया की फिजिक्स को चेंज कर दे उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको उल्ले से अवार्ड दिए जाएंगे हम हर चीज़ को साबित करते हैं कुरान से कुरान में तो यूएफओ भी आ गया है कुरान में ये भी आ गया है कुरान में ये भी आ गया है कल अगर वो साइंटिफिक थ्योरी चेंज हो गई तो क्या करोगे अपने दावाएँ वापस दोगे या कुरान को नाजुबिल्ला चेंज करोगे तो दोनों का मैदान अलग अलग है दोनों की फील्ड अलग अलग है दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए लेकिन आपके लिए मुश्किल ऐसे नहीं होता अगर आप दोनों साइंस और रिलीजन को अपनी ज़िंदगी में लेकर जा रहे हो क्योंकि साइंस आपको बोलता है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो उससे फैक्ट्स निकालो इस्लाम या कोई भी रिलीजन इज़ अबाउट फेथ आपने दिल में बिलीव करना है कि देर इज़ अ हायर पावर एंड ग्रेटर थिंग्स ये दोनों जब क्रैश होती हैं तो इस्पेली जो बंदा ज़्यादा अगर आप इल्म की बात कर रहे थे इल्म हासिल अगर आप देखें दुनिया में इल्म की मतलब अमेरिका यूरोप वहाँ पर एक रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं लोग क्या इन दोनों चीज़ों का क्लैश होता है या, या आप कह रहे हैं कि ये जस्ट एक वेस्टर्न प्रोपागेंडा है कि जो 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 वहाँ पर होता है ऐसे नहीं क्लैश ज़रूर होता है और बिल्कुल होता है जो भी एक ज़रखेज़ दिमाग है ना वो सवाल ज़रूर पूछता है और उसके जवाब मिलने चाहिए और जवाब मौजूद हैं हमारे लोगों के पास वो जवाब उमून नहीं होते आम आवाम के पास नहीं होते कभी कभी कराम के पास भी कुछ के होते हैं और कुछ के नहीं होते इसका ये मतलब कहीं से नहीं हुआ था कि रिलीजन गलत है पहले लोग पढ़ लिख के बहस करते थे या वो यूट्यूब वगैरह सुन वगैरह के वो बहस लग जाते हैं, हैं पीछे, पीछे पीछे कुछ भी नहीं होता तो अगर आपने कोई सवाल करना है तो बिल्कुल आप सवाल कीजिए अदब के साथ सवाल कीजिए उसके जवाब की तहकीक कीजिए और आपको उसका जवाब मिल जाएगा लेकिन आप चाहते हैं गूगल पर टाइप करें जवाब मिले तो शायद आपको जवाब ना मिल सके उसका यह मतलब नहीं होता कि रिलीजन में कोई फॉल्ट हो गया या आपकी साइंस के अंदर कोई फॉल्ट हो गया तो जब तक वो आपको साइंटिफिक मेथड का तरीका क्या नहीं करेंगे कोई बात जो कर इंसान वाली जब तक आप ये सारा इल्म हासिल नहीं करेंगे कि सवाल होता कैसे जब आप कैसे ढूंढा जाता है उसको बढ़ता कैसे जाता है तो इट्स एनी बडीज कैस और आपने कल्चर और रिलीजन की बात की मैं थोड़ा सा इस पर भी अटैच करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इन दोनों को सॉर्ट ऑफ क्लब किया जाता है साथ इसको यंगर जनरेशन या लोग चेंज कैसे करें क्योंकि हमें तो अभी ये भी कभी कभी समझ नहीं आती ना कि ये हमारे सब रूट्स हैं या ये हमारे या ये एक इस्लामिक या मुसलमान का किरदार है तो ये ये कैसे चेंज होगा ये सब कॉन्टिनेंट लूट वाली आपने बात की ना ये तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और इसमें तो मैं डर के हमारे पाकिस्तान में बात नहीं करता होता यह कि हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ अपने शजा नसब मिला रहे होते हैं हमारे भी गाँव गाँव के अंदर घर के अंदर ये था कि हमारे शाजा नसब फला 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 से मिलते हैं तो अमरीका जाकर पहला काम मैंने ये किया कि मैंने ट्वेंटी थ्री एन मी से अपना डी टेस्ट करवा लिया तो उससे मुझे बताया कि मैं चालीस फ़ीसद इंडियन हूँ और वो जिस वक्त इंडिया था उसमें पाकिस्तान का कोई भी पार्ट नहीं था तीस फ़ीसद में तुर्क हूँ वो ऊस्मानीज कोई आए होंगे कुछ हुआ होगा तीन परसेंट में अफ्रीकन हूँ सात परसेंट में ईस्टर्न यूरोपियन हूँ अच्छा डीएनए के अंदर उससे तो तो कोई मेरी डी नहीं मिला एक साहब और मिले वो कहने लेंगे कि हमारा इतना बड़ा ख़ानदान है और सऊदी अरब से उन्होंने को भी डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो उनके 90 परसेंट जो जीस थे वो वो गोभी डेजर्ट के थे वो मंगोलिया के थे चंगेज़ खान के ज़माने से <laughs> उनकी औलादों के अंदर से तो ये तो बड़ा डाउटफुल है बहुत से लोग मुसलमान हुए सूफिया कराम वगैरह आए इसमें नहीं पढ़ना चाहिए आपके बाप दादा क्या थे ये आपकी शनाख्त नहीं बनेगा ये आपकी शनाख्त साबित नहीं करेगा आप कौन हैं इससे दुनिया को पहचान होगी कि आपके बाप दादा कौन थे तो आपका अमल सही होगा आपके अल्फाज ठीक होंगे आप सही तरीके से दुनिया से डील कर रहे होंगे तो बोलेंगे यार इसके बाप दादा कोई अच्छे लोग थे वो कोई भी थे और आप जो हरकतें कर रहे हैं वो करते रहेंगे तो फायदा नहीं है अपना भी नाम खराब करेंगे उनका नाम हम खराब करेंगे लेकिन इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए कल्चरली हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और दुनिया के हर कल्चर में होती हैं सऊदी कल्चर में चीज़ें अमरीका के कल्चर के अंदर हैं मैसीडोनिया के अंदर हैं वो बिल्कुल ठीक है वो करते रहे आप आराम से लेकिन उसको रिलीजन समझ लेना उसको ये समझ लेना कि दुनिया में सिर्फ यही होना चाहिए बाकी तमाम चीज़ें बेजतें ये बात तो ठीक नहीं होगी ना आप राइट हैंड ड्राइव करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं अब आप बोले राइट हैंड ड्राइव ही गाड़ी होती है और एक ही तरीका है गाड़ी ड्राइव करने का इसके अलावा कोई तरीका एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए और कल कल आप इसके ऊपर रिलीजन की छाप लगा दें तो फिर आप बाकी लोगों क्या करेंगे और ये हम हर कदम पाकिस्तान में कर रहे हैं लेकिन आपने अभी जो बात की कल्चर से ही रिलेटेड अभी कि एक ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस है ना आ, हम ये चाहते नहीं है बोलें कि हम सब कॉन्टिनें से हैं हम, हमें बहुत ज्यादा है कि कहीं कोई सऊदी के हमारे लिंक्स हैं एक्सेट्रा बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की यार जो मैं आज बनूंगा उससे मेरे बाप दादों को इज़्ज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक एक्जम्शन होगी कि इनको सही रेज किया गया लेकिन वो उस आइडेंटिटी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए पहले हमें ये नहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार हाँ मतलब हैं तो हम इंडियन ही मतलब हम सब एक जगह के हैं ना मतलब आई एम श्योर अगर मैं डी टेस्ट कराऊँ तो कुछ हद तक परसेंटेज हाई होगी कि मैं कहीं सब कॉन्टीनेंटल इंडिया का हिस्सा था या चंगेज़ ख़ान के जो मुसलमान है उधर से हिस्सा था और कहाँ से होंगे टर्क नहीं हूँ सऊदी नहीं हूँ ये मेरे गलत फहमियाँ हैं हमारे हीरोज़ और हमारे जो लिटरेचर है उसमें हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम उम्मा से और हटना चाहते हैं सब कॉन्टिनेंट के हीरो से ये आपको लगता है हमें खत्म कर देना चाहिए एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम हैं तो इंडियन ना जी, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए हंड्रेड परसेंट बिल्कुल और इसके के बगैर कोई गुजारा भी नहीं है आप सबसे पहले तो अच्छे इंसान तो बने ना फिर अच्छे मुसलमान बने उसके बाद बाकी चीज़ें जो आपको बननी है जो आपने कास लगानी है जो कुछ लगाना है वो आप लगाते रहेगा आप अच्छे इंसान नहीं है अब अच्छे मुसलमान नहीं है बाकी आप जो चाहे टेक लगा लीजिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अच्छा एक एक और मेरा सवाल ये है कि अभी के लिए जितने अभी हमने इश्यूज़ डिस्कस किए ये तो थोड़ा कह लें फिलोसॉफिकल हैं एक एक किस्म के आप कह लगते हैं प्रैक्टिकल पाकिस्तान में मसले के हैं क्या हमें पता है कि एजुकेशन नहीं है एक्सेट्रा नहीं है लेकिन हल क्या है हम बहुत सारे मतलब मैं इस मुल्क में आई आई एम एम मैं थ्री लेकिन इतनी यंगस्टर्स हैं कि मैं बुढ़ाऊँ राइट तो इन सब का क्या होगा मतलब बोर्ड पाकिस्तान बिगेस्ट प्रॉब्लम और इनके हल क्या हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी है दो सौ पचास मिलियन की पॉपुलेशन है वन थर्टी एट पॉइंट नाइन मिलियन इसमें यूथ हैं तो चौदह करोड़ पाकिस्तानी है जिनकी उम्र पंद्रह सौ उनतीस साल के दरमियान है पाकिस्तान का टोटल तो लगभग क्या है तीन लाख चालीस हज़ार स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर माइल्स तो तीन लाख चालीस हज़ार माइल के ऊपर आप डिवाइड करें चौदह करोड़ को तो चार सौ ग्यारह बच्चा बनता है पर माइल उसमें भी अर्बन रूलर नहीं कर रहा है बताए कैलाश में लोग कम होंगे इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा उसमें लाहौर कराची में ज़्यादा होंगे तो तकरीबन हज़ार बारह बच्चा बैठा हुआ है पर माइल अनएजुकेटेड अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड इथिंग्स उसके पास नहीं है ये तो बच्चा आपको गाड़ी से उतार के मार डालेगा अगर आपने इसको रोजगार नहीं दिया अगर आपने इसको पढ़ाया नहीं तो इस बच्चे को आपको पढ़ाना है और इस बच्चे को बाहर एक्सपोर्ट कर दीजिए बंदा वो चीज़ एक्सपोर्ट करता है ना जो ज़्यादा उसके पास हो हमारे पास ज़्यादा क्या है गुरबत ज़्यादा है हमारे पास और कुछ भी नहीं है हम लोग सस्ते हैं चाइना पहले सस्ता था तो दुनिया चाइना में जा रही थी चाइना महंगा हो गया वहाँ बिलियनर्स बन गए फिर वो इंडिया पर जाने लगे इंडिया भी महंगा हो गया वो भी कम देते अब पाँच दस डॉलर बांग्लादेश महंगा हो गया पाकिस्तान सस्ता है तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर दे ये अपने बच्चे आपको बाहर भेजने पड़ेंगे इसके बेर कोई चारा नहीं है क्योंकि आप तमाम लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकते ये आपके मुल्क में रहेंगे तो बड़ा मसला करेंगे आप कहते हैं जी आप स्किल नहीं करना ए नहीं पढ़नी तो अगर आप स्किल करके बाहर चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि कुछ ना पढ़ के मुल्क के अंदर रह जाएँ तो कितना नुकसान पहुँचाएंगे तो इन यूथ के ऊपर हमने काम करना है और कोई भी इनिशिएटिव कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट कोई भी ऐसा काम जो इस यूथ को डायरेक्ट नहीं कर रहा इस चौदह करोड़ के यूथ बल्च को टाइम बम को एड्रेस नहीं कर रहा उसका कोई फायदा नहीं है और ये यूथ को बाहर आपको लगता है कि मिलियंस में भी जाएं तो ब्रेन ड्रेन का कोई इशू नहीं है बेहतर है कि निकलें क्योंकि एटलीस्ट फॉरन रेमिटेंस आएगा और कुछ ना कुछ इसका सिस्टम चलता रहेगा या आपको लगता है कि यहाँ बैठ के बिजनेस खड़ी करें ताकि पाकिस्तान के अंदर पैसा आए ब्रेन ड्रेन के लिए ब्रेन का होना जरूरी है तो ड्रेन होगा ना जो ब्रेन ही नहीं वो बना ही नहीं है डेवलप तो ड्रेन क्या होगा पहली बात तो ये है दूसरी बात देखें हम लोग आठ मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं जो एक्सपर्ट हैं पच्चीस बिलियन डॉलर का आपको रेमिटेंस भेजते हैं तो एवरेज तकरीबन तीन डॉलर बनते हैं पर पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेज रहा है आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया के पास सौ बिलियन डॉलर आता है उसके सत्रह मिलियन है तो तकरीबन डबल उनका है हमारे से क्योंकि वो अच्छी पोस्ट के ऊपर जाते हैं एक पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर चली जाए उस पाकिस्तानी की नस्बत जो मुल्क के अंदर बैठ के काम कर रहा है जॉब कर रहा है सैलरी कर रहा है चार हज़ार बंदों के बराबर है एक एक बंदा जो मुल्क से बाहर चले जाए अगर अगर आप आठ मिलियन और पाकिस्तानी बाहर भेज दें तो आपको इस सारे आई वगैरह के चक्कर सारे खत्म हो जाएंगे आपके पास सौ बिलियन डॉलर अगर आपके पास अपने आने लग जाए रेमिटेंस के तो आपको एक एक बिलियन डॉलर के लिए फीक मानने की क्या जरूरत है तो बाहर जाना बड़ा जरूरी है और उसको भेजने के बाद भी आठ मिलियन भेज देंगे तो भी आपके पास छः आठ मिलियन बच गया ना यहाँ पर और जिस तरह आबादी बढ़ी तो आठ मिलियन और प्रोड्यूस हो चुका होगा तब तक लोग बाहर जाएंगे तो उनको आप बिल्कुल बाहर भेज दीजिए पहली बात दूसरी बात पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पाकिस्तान में लोकल आई की खपत ही नहीं है पाकिस्तान में मेरा यूट्यूब का चैनल बंद हुआ लोगों ने चैनल गया बंदों कहां खोल लू पाकिस्तान में बिजली नहीं आ रही तो डेटा सेंटर कहां लगाऊंगा बिजली के जो रेट है वो कहां पर लगाऊंगा तो जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिजनेस उस लेवल पर स्केल नहीं कर सकता नहीं। आप करेंगे स्केल आप करेंगे करोड़ दो करोड़ दो सौ ढाई सौ पाकिस्तान में बताया ना मुझे वो कितनी कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं जो सालाना हजार मिलियन डॉलर कमाती हैं एक आदि होंगे शायद ठीक है 200 सौ ढाई मिलियन डॉलर के पर आके हमारी आईटी कंपनीज की बिल्कुल ठप हो, हो जाती खत्म हो जाती ठप हो जाती है उसके आगे कुछ नहीं कर सकता तो अगर बिले बनना है यूनिकॉन्स बनाने तो आप मुझसे बाहर निकलना पड़ेगा ना पूरी दुनिया आपके लिए मौजूद है और पूरी दुनिया में आपकी डिमांड मौजूद है पूरी दुनिया में आप देखें बहुत सारी दुनिया में मुल्क ऐसे हैं सत्तर से मुल्क तो ऐसे हैं जिनकी मिलियन से कम पॉपुलेशन है एजिंग पॉपुलेशन है जापान के अंदर देख लें लिथूनिया के अंदर देख लें वहाँ पे यूथ चाहिए अपने बच्चे वहाँ भेज दीजिए वो जाएंगे सेटल होंगे कुछ काम कर लेंगे हमारा भी फायदा है उन लोगों का फायदा है दुनिया का इन जनरल फायदा है दुनिया जान सकेगी पाकिस्तान को ये काम इंडिया ने कर लिया हम लोग उसमें पीछे रह गए आप अपनी वीडियोज़ में बात करते हैं पाकिस्तान के जो बच्चे हैं इनको कहाँ कहाँ जाना चाहिए डिफरेंट मुल्कों का आप मुझे बता सकते हैं कि राइट ना वॉट यू थिंक आर थ्री फाइव ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू इमिग्रेट टू अगर ग्रो करना है और आप कंपिटेटिव इनफ हैं तो अमेरिका से अच्छा दुनिया इस वक्त मुल्क दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं एक सौ चौबीस मुल्क घूमने के बाद आपको बता रहा हूँ एक सौ तेईस से अभी मराकेश में पूरा घूमता हुआ है एक सौ चौबीस हो गए इससे अच्छा कोई नहीं है इसके अलावा आप छोटे मुल्कों में जाएँ या जा, कोई नहीं आता स्लोवाकिया स्लोवानी में चले जाएँ वोटू है जिससे हम टेलीनोर है बागलू की तरह हायर कर रही हैं टेलीकॉम इंजीनियर्स हमारे पास भरे पड़े हुए हैं कंपनीज़ बंद हो रही है वहाँ पे चले जाएँ लिथुनिया चले जाएँ ईस्टर्न यूरोप में चले जाएँ रशिया चले जाएँ पैरागोए चले जाएँ मडकास्कर चले जाएँ पूरा दुनिया पूरी दुनिया खुली हुई है हम बात ही नहीं करते आधे से ज़्यादा दुनिया में तो हमारा कोई कौंसलेट या कोई कल्चरल अताशी तक नहीं है मुशरफ साहब वो वाहिद हमारे थे पाकिस्तान के सदर जो ब्राज़ील गए थे साउथ अमेरिका में इसके अलावा कोई पाकिस्तान का लीडर आज तक गया ही नहीं क्यूबा से हम लोग बात नहीं करते साउथ अमेरिका पूरा हमने छोड़ा हुआ है पता नहीं, नहीं। क्यों नहीं बात करते एम्बेसी लिथुनिया में हमारी कोई एम्बेसी नहीं है लेटविया के अंदर अभी वो यूक्रेन की जो ट्रांसफर हुई हुई थी वो लेटविया के अंदर आ गई स्टोनिया नहीं है लिथुनिया के पास नंबर वन लेज़र टेक्नोलॉजी है फिंगरप्रिंट में नंबर वन है दुनिया के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम वहाँ से यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं बच्चे बाहर भेज सकते हैं ड्रोन के ऊपर आपने जाना है आप रशिया भेज दीजिए पूरे पूरे मुल्क से आप बात करें जैसे लाइव एक्सपो होता है ना तो मेरा दिल चाहता है पाकिस्तान में लाइव एक्सपो करूँ जिंदा के नाम से उसे सारे डर्स को बुलाऊं बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाऊं बोलो यहीं इंटरव्यू करो यहीं वीज़ा लगाओ और यहीं से बच्चों को ले जाओ तुम तो ये जहाज भर 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 की भी अगर भेजे ना बच्चे तो बहुत ज़्यादा आसानी है वो सारे वीज़ा हैं इस वक्त इंडियंस के लिए अगर वो एच वन बी के ऊपर आए तो ग्रीन कार्ड का वेटिंग पीरियड नाइन्टी टू ईर्यर्यर्यर्यर्यस का है इतने भेज दिए उन्होंने नाइन्टी टू ईयर्स का सेवन परसेंट कोटा होता है एक कंट्री का पिछले पिछहत्तर सालों में पाकिस्तान आज तक अपना कोटा मीट नहीं कर सका है कोई जाता ही नहीं है अप्लाई नहीं अप्लाई नहीं करते अमेरिका में पढ़ना मुश्किल नहीं है तीन ऐप हैं कॉमन ऐप है कोइस ब्रिज है कॉलिशन पार्टनर है आप जमा करवाएं आप 600 सौ कॉलेज में अमरीका के एक एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स के लिए क्लिक करें आपका अप्लाई हो जाएगा उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है आप वहाँ पे चले जाएँ दस बारह हज़ार रुपये फीस है वहाँ पे आपको आपको फाइनेंशियल ग्रांट्स भी मिल जाती है इससे ज़्यादा का तो आप यहाँ पे डीसी में प्लॉट लेते हैं भैया इससे ज़्यादा पैसे तो आप शादी में बर्बाद कर देते हैं इससे महंगी तो आप गाड़ी ले लेते हैं लेकिन आपको बोले क्या बारह पंद्रह डॉलर में जाकर के वहाँ पे मास्टर्स कर सकते हैं तो बच्चे बोलते हैं महंगे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जो जितने लोग अफोर्ड कर सकते उतने तो कम से कम जाए ना बाकी भी वहाँ पुछ जाएंगे स्कॉलरशिप से गवर्नमेंट को चाहिए स्कॉरशिप से और इन टर्म्स ऑफ स्किल्स अभी दुनिया में डिफरेंट डिमांड्स हैं मैं कभी कभी इससे सोचता हूँ ना ऑबियस हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है लेकिन एक बच्चा है अभी उसने चलो बैचलर्स किसी न किसी चीज़ में कर लिया होता है अक्सर गैप्स होते हैं वो क्या स्किल्स हैं अभी आप ए आई की बात कर रहे थे कौन सी वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ अगर पाकिस्तानी बच्चे थोड़े से फोकस करें तो यू you नो know, फ़ायदा देगी उनको इन दी इंटरनेशनल मार्केट्स इमरजिंग कंप्यूटर साइंस की तमाम चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग साइबर सिक्योरिटी मशीन लर्निंग एआई डेटा साइंस क्वांटम कंप्यूटिंग, गेम डेवलपमेंट डस्ट प्रोग्रामिंग एरो टेक्नोलॉजी के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर इसमें कहीं पर भी चले आए कंप्यूटर विजन के अंदर चले आए ये दिस इज़ द फ्यूचर अभी so, अमेरिका में अभी रिपोर्ट आई है व्हाइट हाउस में प्रेजेंट हुई उन्होंने बताया कि जमरीकन है उनकी तकरीबा 30% जॉब्स खत्म हो जाएंगी दो हज़ार तीस तक में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं hmm. इस दफ़े जो ए आई सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो वाइट कलर जॉब्स को है सबसे hmm. ज़्यादा खतरा है उन लोगों को जिन्होंने बचलर्स किया है तो छोटी कोई रेस्टोरेंट में बंदा नहीं होगा वो रोबोट्स होंगे रोबोट आर्म्स होंगे बर्गर बना रहे होंगे

इस कॉन्फ्लिक्ट का आपको क्या लगता है इवेंचुअली एंड क्या होगा और um, आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम स्टेट्स हैं आर दे द मेकिंगफ नॉइज़ अबाउट इट एंड आर द मुस्लिम इनफ नॉइज अबाउट इट और इज दिस इज दिस अ मुस्लिम इशू टू स्टार्ट विद इन द फर्स्ट प्लेस जी बिल्कुल मुस्लिम इशू है और रिलीजियस इशू है इस बात को मैं समझना चाहिए mm -hmm. इसके दो तीन एंगल्स हैं पहली बात तो फलसन के साथ क्या होगा वही होगा जो सीरिया के साथ हुआ वही हुआ जो यमन के साथ हुआ वही होगा जो लबनान के साथ हुआ वही होगा जो मिस्र के साथ हुआ वही हुआ जो अफगानिस्तान के साथ होगा ये मारेंगे कूटेंगे सब कुछ करेंगे बाद में जब अपना दिल भर जाएगा इनका सारे असलाह वगैरह खत्म हो जाएगा बोलेंगे ज़्यादा टूट लिया है, फिर ये खोल देंगे फिर हम लोग जाएंगे उनको डोनेशन देंगे हस्ती मुस्कुराती बच्चों की तस्वीरें यूज़ करेंगे पहले वो जो लोग मर रहे होंगे लाशों की तस्वीर यूज करके डोनेशन इकट्ठा करेंगे फिर वो डोनेशन जाकर उनको देंगे उनकी तस्वीरें शेयर करेंगे और बोलेंगे हमने अपना काम कर लिया है और उसके बाद पढ़ालाला वहीं से बहेगा फिर ये दो चार साल इंतजार करेंगे किसी और कलेक्टर का, किसी और जंग का और काम उस चलता रहेगा तक यह हम लोग रहेंगे जब तक हमारे इतना नहीं आएगा अगर आप फलस्तीन के लिए भी कोई भी काम करना चाहते हैं एन आउटकम विदिन लाइफ तो ना कीजिए वो नहीं होगा तो हमें अपने लाइफ टाइम से बियड सोचना पड़ेगा हमें जनरेशन पर सोचना पड़ेगा तब इसका आउटकम आ सकता है व नहीं आ सकता आप सूरह हूद देख लीजिए फरमाया कि मेरे बाल सफेद कर दिए सूरत ने तो आप अंबिया को देखें कौम तबाह हो गई हज़र शुयब अल्लाम की कौम मदियन में तबाह हो गई हज़र लूत अलीसलाम की कौम तबाह हो गईर नूत अलीसलाम की कौम तबाह हो गई तो हमारे और आपके स्टैंडर्ड से तो उनसे कामयाब कोई भी नहीं हुआ मतलब वो फेल हो गए वो फेल नहीं हुए लेकिन वो बाई टाइम हमने अपना जो पार्ट है वो करना है और बाई टाइम आप देखेंगे कि वो ये मसले को सोल्व हो जाएगा अब इस मसले को सोल्व करना है हमें आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रहे आपको अजीब बात बताऊँ कि अमरीका के अंदर हम फलस्तीन के हक़ में मुजाहरा कर सकते हैं इस्लामाबाद में डी चौक में नहीं कर सकते हम लोग रियाज़ में नहीं कर सकते हम लोग दुबई में नहीं कर सकते हम लोग काहिरा में नहीं कर सकते तो इससे ज़्यादा डूबने का मकाम नहीं होगा तो और क्या होगा बावन पचपन इस्लामिक मुल्क मिल एक पानी की बोतल ना छोटी सी पानी की बोतल वो इस वक्त गज़ा में नहीं पहुँचा सकते तो लेकिन ये क्यों है मतलब दि... इतनी देर आर मैनी मुस्लिम स्टेट्स जो काफ़ी इन देर ओन राइट्स सुपर पावर्स नहीं तो इकोनॉमिक पावर्स तो हैं ना ये क्यों इतनी हेल्पलेस हैं इसकी जो बड़ी वजह मुझे समझ में आई है वो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी है उनको पता है कि सामने वाले के पास इतने जहाज़ और इतना असला मौजूद है कि अगर मैंने कोई बात किया तो वो एक दिन में आके मेरा बेड़ा रख कर देगा जब हम हमारा ने अटक किया था ना इसराइल के ऊपर बंदे अगवा कर लिए थे उस वक्त की आप न्यूज़ निकाल के पढ़ लीजिए हम सब लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे तालियाँ बजा रहे थे नाइन इलेवन में जो हुआ था मुझे अच्छी तरह याद है रोडों के ऊपर मिठाइया बट रही थी हमने जमने बहुत काम कर दिया और जब बाद में होता तो बोलते हैं क्या हुआ तो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट है हमारे पास नहीं है हमारे पास असला नहीं है हमारे पास जंग की कैपेबिलिटीज़ नहीं है हमारे पास वो सिस्टम्स नहीं है मैंने एक वीडियो बनाइए ए आई ने कितने फ़लस्तियों को शहीद किया आप देखिए पूरा सिस्टम मैंने बताया कि ए आई आप डिसाइड करिए बंदा नहीं पीछे वो आई डिसाइड करती है मार दो वो खुद करते अलगोर्थम बनाए हुए उनको मार देती है उसका हमारे पास उसको किसी को टेक्नोलॉजी का नाम तक नहीं पता उस पर काम करना बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है तो ये टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी जब तक रहेगी हम उनके मोहताज रहेंगे और उनको आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकते जितने मुस्लिम कंट्रीज़ का बात कर रहे हैं उनकी तमाम माशी जो सरगर्मियाँ हैं उनसे मुंसलिक है उनके पैसे उनके फेडरल रिजर्वस के अंदर पड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी उनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं जब आप हंड्रेड किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आप लड़ोगे कैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ मैं एक आम सा बंदा हूँ मैं बोलता हूँ मैं वर्जिश नहीं करनी कुछ नहीं करना मैं खा खा के अपनी तूंद बड़ी कर लेता हूँ और आराम से बिस्तर सोता रहता हूँ और कोई बंदा मुझसे लड़ने के लिए आएगा तो मैं दो गार्ड रख लेता हूँ और डॉक्टर मैं अमरीका से और फला काम के लिए फला फला बंदा रख लूँगा, काम के लिए फंदा। अब मेरी स्टाइल तो बेहतर हो गया लेकिन मेरे आसपास 20 बीस लोग हैं अब मैं कुछ भी कर लूँ बीस लोगों से नहीं लड़ सकता वो तो मेरी हिफाजत के लिए ना और वो बीस लोग किसी दिन मेरे खिलाफ हो गए तो मुझे चुटकी बजाते मार देंगे तो इस वक्त इन जनरल मुसलमानों की स्टेट्स की ये हालत है कि हमने अपनी सेवा के लिए बहुत सारे बाकी लोग रखे हुए हैं जो दूसरे मुल्कों के हैं और तमाम टेक्नोलॉजीज पे हमने काम नहीं किया पैसा हम लगा रहे हैं याशियों के ऊपर शराब के ऊपर बार्स के ऊपर शादियों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के ऊपर और इल्म के ऊपर पैसा नहीं लगा रहे हम इल्म दुश्मन माशरा हो गए इम पर पे पैसा लगाना दूर की बात है कोई इल की अगर बात करें तो आप उसको मुल्क में नहीं देते आप मुझे बताइए ना कितने नोबल प्राइज़ विनर्स हैं मुसलमानों के मुल्क से जो अपने मुल्क में रह रहे हो कोई नहीं है कोई नहीं है इजिप्ट वो नेजिप्शियन को निकाल दिया जो नोबल प्राइज़ जीता ईरान और इरानियन को निकाल दिया हमने, निकाल, हमने निकाल, दिया। निकाल दिया तो ये हम लोगों का हाल है और जनरली भी ये हाल है आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं जाएँ पे अपने पैकेजेस देखें बाकी चीज़ें देखें इन्वायरमेंट देखें तो आप किधर जाएंगे छः हज़ार हैं पाकिस्तान के अंदर पच्चीस करोड़ आवाम के अंदर उन छः हज़ार में चार हज़ार पी एच डी मुल्क बाहर काम करना पूरे मुल्क में दो हज़ार भी नहीं है और जो है किसी दिन आप इंटरव्यू कर लीजिए तो आपको सुरतल सामने आ जाएगी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की उनके करिकुलम की हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या कनखा दे रहे हैं और अगर मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ कि आप अभी क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं आ, वैसे तो आपके बहुत सारी डिफरेंट करियर वाइज चीज़ें चल रही हैं लेकिन अभी आपने बहुत सारी कहें सोशल इशूज़ पर बात की ना इसके लिए आप पर्सनली क्या क्या चीज़ें क्या क्या इनिशियटिवस कर रहे हैं टू हेल्प द यूथ ऑफ पाकिस्तान या टू हेल्प मुस्लिम्स इन जनरल जी मैंने बड़ा सोच समझ के तीन चार साल लगा के कुछ फैसला किया है चार पांच इनिशियटिव से मैं काम कर रहा हूँ पहले इनिशिएटिव का नाम है मिनट होगा उस पर हम करियर काउंसलिंग करते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं बच्चा आके पूछता है क्या क्या करना चाहिए उसको करियर पर गाइड कर देते हैं सही वक्त पर अगर आपको सही रहनुमाई मिल जाए आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इससे बच्ची कोई चीज़ नहीं है कोई भी बंदा जाकर पंद्रह मिनट बीस मिनट की कॉल बुक कर सकता है तो पहला इनशियटिव ये दूसरा इिशियटिव मेरा उसका नाम है जिंदा भाग जिंदा भाग डॉट कॉम आप सी सी अपलोड करें इस वेबसाइट के ऊपर वो दो सौ ममालिक को स्कैन करके वीज़ा को स्कॉलरशिप्स को सब कुछ करके बता देंगे कि बेटा आपके लिए तीन बेस्ट कंट्रीज हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे वीज़ा एक्सेप्टेंस चांस इतने सप्लाई एंड डिमांड की जिंदा भाग डॉट कॉम फनी नाम है इसका एक्सल नाम तो हेल्प मी माइग्रेट डॉट कॉम है तो आपको सिर्फ सी वी चाहिए उसको पता है अमरीका में आई के बंदे चाहिए आपको ए आई आती है जो उसको एक्सपीरियंस चाहिए आपको आता है बोलेगा जब एन आई डब्ल्यू के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर दो ये लिंक है यहाँ से आपको अप्लाई करना है और वीज़ा मिलने के चांसिस आपके सिक्सटी थ्री परसेंट है सेवेंटी परसेंट है एटी परसेंट है अच्छा सब कुछ एआई के ऊपर कर दिया वो आपको एआई आपका सीवी बना सीवी भी बना के दे देगा कि सीवी जाके जाकर वहां पर अप्लाई दो यहां पे आपको जॉब्स मिलेगी और आपकी वर्थ क्या होगी आप पाकिस्तान में मिसाब में आप दो लाख रुपये कमा रहे हैं वहां जाएंगे आप ढाई लाख डॉलर साल की कमाएंगे तो आपकी वर्थ इतनी इंक्रीज कर जाएगी पूरे मुल्क में कहीं भी चले जाए तो जिंदा भाग का इनशियटिव है दूसरा इनिशिएटिव उसका नाम है स्किल स्कोर डॉट कॉम आप सी भी अपलोड करें दुनिया में आपको कहीं भी पूछना हो तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए आप कहाँ खड़े हैं आपको कहाँ जाना है एंड हाउ टू गेट देर आप बोलते हैं मैं इस्लामान भाई मुझे सखर जाना है तो कोई बंदा आपको पूर्व बता देगा आपको यही नहीं पता आप कहां खड़े हो तो कोई बंदा आपको रास्ता नहीं बता सकता हुँ. आपको ये नहीं पता कि जाना गया तो भी नहीं बता सकता तो इसके लिए स्कूल में आप सी अपलोड करते हैं बताते हैं इस वक्त दुनिया में आपका स्टेटस क्या आप कहां खड़े फिर सारे कहां जाना है आपको अठारह हजार प्रोफेशन दुनिया के अंदर वाइल्ड फोटोग्राफर से लेके डेटा साइंटिस्ट तक वबके सब के सब मैप किए हुए हैं आईलो के साथ कि तमाम करियर पाथवेज आपके पास हैं दिस इज वे टू गेट देयर आप सिंपल सी अपलोड करें पूरा पाथ आपके सामने आता है यू डोंट हैव टू टॉक टू हैडी फिर जो टेक्नोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं बाहर मुल्कों के अंदर जो एक्सपोजर मिल रहा है उस पर हम किताबें लिख रहे हैं जैसे किताबों की सीरीज है, हमारी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमने पाइथन पे लिखी मशीन लर्निंग पे लिखी डेटा साइंस पे लिखी गुफ्तुमेरा इदार है उसमें किताबें छापते हैं पाकिस्तान से बाहर जाने पर हमें किताबें लिखी हुई पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएँ सिंपल यहाँ से वीजा अप्लाई करना है वीज़े फॉर्म में ये लिखना है ऐसे अप्लाई करना है सारे काम ही करना है फिर हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में करिकलम्स के ऊपर पाकिस्तान में सब दो सौ तिहत्तर हैं ट्वेंटी नाइन बोर्ड्स हैं जो बच्चे को के जी से लेकर इंटर तक ले जाते हैं अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा इंटरमीडिएट का बच्चा अमरीका की पाँचवीं क्लास की मैथ नहीं कर सकता फिर बोर्ड्स आपस में बातचीत नहीं कर सकते दर इज नो वे इन वेल्थ कि अब रूट्स का थर्ड क्लास का बच्चा लें उसको मदरसे के फोर्थ ग्रेड में डाल दें yeah. मदरसे का फोर्थ ग्रेड का लें और पांचवी क्लास में डाल दीजिए उसको बिकन हाउस के अंदर yeah. बिकेन हाउस का गवर्नमेंट स्कूल में डाल दीजिए और दुनिया में कुछ नहीं पता तो वी व्यास कवर सेल्फ आना क्या चाहिए बच्चे को आप बता देना भाई के का बच्चा है उसको ये शेप्स आने चाहिए ये कलर्स आने चाहिए ये चीज़ आनी चाहिए ताकि दुनिया में आप पैराशूट से उसको किसी बुक में ड्रॉप कर लें तो के पास कर जाए पहली पास कर जाए तो पूरी करिकुलम की सीरीज निकालिए कि हमारी पहली बुक है प्री के के ऊपर प्री केड वन के आइए हम तरह जमातों की तरह किताब निकाल रहे हैं के पहली दूसरी से बारवीं तक आप ये किताब पढ़ा लें हमारा क्लेम ये कि बच्चा ये ग्रेट दुनिया में कहीं भी पास कर जाएगा वो सारी चीजें फजूल पढ़ा रहे हैं मुताला पाकिस्तान पढ़ते थे पता नहीं क्या के पढ़ते थे मेरा बांग्लादेश में टाइम गुजरा कुछ काम किया वहां पर उनका तो दिमाग घूम गया वो सारा हमारे अच्छा खिलाफ है अच्छा। सारा हमारे खिलाफ है हमारी फौज के खिलाफ है किसने मारा क्या किया फिर <laughs> इंडिया मैंने किताब लिखी ए आई फॉर फिफ्थ ग्रेटर तो इंडिया ने अब कर ली इंडिया से मुझे मेल आई कि थैंक यू वेरी मच आपने अच्छी किताब लिखी है हम इंडिया में पांचवी क्लास में करें तीन स्टेट में इंडिया में मेरी किताब पढ़ाई जा रही है पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जा रही उनका करिकुलम पढ़ा तो कुछ और है तो बहुत सारा झूठ है बहुत सारी चीज जरूरत ही नहीं है हम आज तक इंटरमीडिएट के एग्जाम के अंदर आईसीएस के अंदर माउस और फ्लॉपी डिस्क स सवाल पूछते हैं कि वो पॉइंट फाइव इंच वाली या नहीं है अब बताइए उसके बाद किधर जाके मरेंगे मतलब क्या करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकाल दी भाई ये चीज जरूरी है ये पढ़ लीजिए हम क्लेम नहीं करें मेरी नहीं करें अबिका

आपने अभी इस किताब में भी दिखाया क्रिप्टो करेंसी की बात हुई आप बहुत ज़्यादा बात अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर भी करते हैं अबाउट कि पैसा कमाना एक चीज़ है ओबियसली फिर पैसा यू you नो know, सेव करना उसकी ग्रोथ करना इन्वेस्ट करना आप खुद पर्सनली क्रिप्टो करेंसी या किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ों से सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ अपनी बढ़ा रहे हैं आउटसाइड ऑफ यू नो जॉब्स वर्क ऑन्टरप्रीनियोरशिप ये मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा वो पाकिस्तानी चीज़ें नहीं सीखा या बाहर गया तो सीखा तो अभी मेरी वर्तर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर की है जिसमें मेन जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो रियल एस्टेट का मैं रियल एस्टेट लेता हूँ उसको उसकी टील करता हूँ थोड़े से उसको खूबसूरत करता हूँ जो भी पेंटिंग पेंटिंग होती है करता हूँ उसको रीसेल कर देता हूँ पहले एक प्रॉपर्टी ली फिर दो ली फिर तीन लिए बढ़ती चली गई दूसरा मैं इन्वेस्ट करता हूँ रीट के अंदर जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं फ्रेक्शल रियल स्टेट होती है आप पाँच सौ का अपार्टमेंट में थोड़ा सा शेयर ले लीजिए कहीं और ले लीजिए उसमें बहुत हेविल इन्वेस्ट करता हूँ दुबई के अंदर भी अमरीका के अंदर भी कनाडा के अंदर भी दुनिया में कहीं पर भी हो और बहुत सारे पॉकेट्स आते हैं जिस तरीके से अभी पे खत्म हुआ इजिप्ट का डॉलर के साथ अब ये खत्म हो रहा है नाइजीरिया का तो पे खत्म होता है तो डॉलर को बड़ा उसकी जो करेंसी डिवली होती है तो जो प्रॉपर्टी बड़ी सस्ती हो जाती है बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है जब श्रीलंका बैंक्रप्ट हुआ पूरी दुनिया श्रीलंका से भाग गई मैं तो जाकर श्रीलंका में चार महीने के लिए बैठ गया और प्रॉपर्टीज़ खरीदी और कुछ नहीं किया नहीं। और जैसे श्रीलंका वापस आया वो प्रॉपर्टीज में हल्के बेचना शुरू कर दिए एंड दे आर गोइंग फॉर लाइक टेन फोल्ड्स पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट डिस्पेस है इस वक्त अमरीका के अंदर बाल्टी मोर कैश किया हुआ है हैस्टन ने क्रेश किया हुआ है तो जो अगर आठ आठ लाख के व दो लाख में आए हैं तो आप लेकर रख लीजिए साल बाद आपको आठ लाख का भेज दीजिए रिसर्च का को मिल दी है कि ये 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 फॉर डेटा साइंस लिखे में इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी मैंने लास्ट टाइम जो लिया था मैंने पंद्रह हज़ार में लिया था और मैंने ऑटो पे लगा दिया पैंसठ हज़ार रुपये भेज दो पैंसठ हज़ार चार थे मेरे पास वो चार अपने बिक गए अब वो वहाँ से डाउन होना शुरू हो गया यह इलेक्शन के आसपास पास होता है जब ट्रम के इलेक्शन थे तो मैंने आठ आठ की बिटकॉइन लिए थे एक रात उठा आठ ले लिए और बाद में जनवरी के अंदर पचपन हज़ार के भेज दिए तो क्रिप्टो करेंसी में मेंवली इन्वेस्ट रियल स्टेट के अंदर और स्टार्टअप्स के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स उन काम किया है थोड़े पैसे लगाए ग्रो भी करता है और कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है है जो आप, बेसिकली आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना देट मेक्स यू वाइज टू इन्वेस्ट इन द राइट डायरेक्शन हम बोलते हैं तो हम इस बंदे को पैसे देंगे स्टार्टअप के अंदर तो कुछ भी नहीं हमें क्या फायदा हुआ तो माली फायदा मत देखा करें माली फायदा इज द बाय प्रोडक्ट असल चीज तो विजडम है कि इन्वेस्ट कहां करना है किन लोगों से बात करनी है मैंने कुछ मेंबरशिप्स ली हुई है तीस तीस हज़ार डॉलर की सालाना मेंबरशिप है गोल्फ क्लब की मुझे गोल्फ खेलना नहीं आता जिंदगी में नहीं खेला मैंने नहीं। मैंने रखी हुई है स्किन कंपनी में स्कींग करना नहीं आती स्कीन ली हुई है क्योंकि वहां पर सारे इस इससे के लोग आते हैं जब आपको वहां पर जो लोग मिलेंगे तो आपको उसी क्लास के मिलेंगे आप जिम की महंगी सिंपल सा काम आप एक इलीड जिम की मेंबरशिप ले लीजिए जो चार सौ पांच सौ डॉलर वीक की मेबरशिप हो अब वहां पर जो भी बंदा आएगा उसका मतलब वो पांच सौ डॉलर हफ्ते के अफोर्ड कर सकता है उसके अलावा वो सेल्फ कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है किसी अच्छी जगह काम कर रहा होगा तो बिल्कुल क्रीम ऑफ द क्रीम सोसाइटी के वहां मिल जाती है नेटवर्क इज योर नेटवर्थ तो जितना आप नेटवर्क बनाएंगे उतना ज्यादा जा सकेंगे और सोशल मीडिया में तो अभी तो लोग दुनिया आप देखेंगे अभी सालों में डेढ़ साल में लॉज आ जाएंगे कि अगर आपके दस मिलियन फॉलोवर हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो दुनिया आपको नेशगी मैं तो अच्छा। उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाइए पैसा कमाने के संग उस पर बड़ा पिरामिड बनाया कि किस तरह जा सकते हैं तो जो मैंने पैसा बनाया मेन उसमें उस तो डेटा साइंस सबसे अच्छा जो मेरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो बेच के जो सर्विस वो लेकिन उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और रियल स्टेट परफेक्ट परफेक्ट चलें सर बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द पॉडकास्ट शुक्रिया थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग इफ यू एंजॉयर कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट